सागर जिले के राहतगढ़ नगर में आज किसान विरोधी बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर बंद आह्वान किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विनम्र पूर्वक दुकानदारों से बंद करने को कहा, लेकिन नगर में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बंद की, काफी दुकानदार दिन भर दुकानें खोले रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, मोदी सरकार के काले कानून के विरोध में आज राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह बिल किसान विरोधी है, यह किसानों के हित में नहीं है। भाजपा किसान विरोधी पार्टी है जो किसानों के साथ छलावा कर रही है। शीघ्र ही काला कानून वापस लिया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी आगे आंदोलन करने को मजबूर होगी। सरकार द्वारा जो आज किसानों के खिलाफ काले कानूनों का जो निर्णय लिया गया है, उसके खिलाफ हम सभी किसान कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं कांग्रेस के सभी शहर कांग्रेस एवं सभी प्रकोष्ठों के कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं नेतागण सभी इकट्ठे हुए एवं सभी किसान भाई और एक तीन जो मोदी जी द्वारा काले कानून लाए गए हैं उनको तुरंत वापस ले, नहीं तो आगे और ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग सभी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं, किसान लोग हैं, सभी लोगों ने शांति पूर्वक सभी को बंद करने का आह्वान किया। कुछ लोगों ने बंद की, कुछ लोगों ने नहीं की। ये स्वतंत्र भारत है, लेकिन हम लोग किसानों के साथ हों, किसानों के साथ रहेंगे। ज्ञापन में किसान विरोधी जो कानून लागू किया है इन लोगों ने, इस विरोध के बिल में आज हम लोगों ने माने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया कि ये जो कानून बनाया है वो वापस किया जाए, जिससे किसानों का भला हो सके। नहीं तो किसानों की बड़ी समस्या आने वाली है, कृषि उपज मंडियां बंद हो जाएंगी। ये किसान विरोधी बिल, इसको लेकर आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। बंद का असर तो ये है कि हम लोगों ने लोगों से विनती की थी, अपील की थी, आह्वान किया था। स्वेच्छा से जिनने बंद की है दुकानें तो ठीक है, और जिनने नहीं की तो वो भी ठीक। कोई जबरदस्ती नहीं की हम लोगों ने, ना कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती की, स्वेच्छा से। स्वेच्छा का मुद्दा यही है कि कृषि उपज मंडियां जो बंद कर दी गई हैं, बंद होने की कगार पे आ गई, क्योंकि व्यापारियों को बाहर उनको छूट दे दी गई है। आप लोग बाहर खरीदें, कोई क्यों जाएगा मंडी में खरीदने के लिए जब उसको बाहर मिलेगा बगैर टैक्स पेड मिलेगा? क्यों खरीदेगा कोई मंडी में टैक्स पेड माल? और किसानों की माने हालत ये हो जाएगी कि व्यापारियों के पास पान की लेकर जाएंगे कि हमारा ये खरीद लो, और उसका किसानों को एमएसपी लागू नहीं की, एमएसपी रेट लागू नहीं की। अब देखो आगे क्या होता है, अभी तो यही है कि एमएसपी बंद होने वाली है। किसानों की जो एमएसपी मिलता था वो बंद होने की कगार है।